और वहीं देश में हाल के दिनों में डिजिटल फ्रॉड के मामलों में एक उछाल देखने को मिल रहा है, या फिर ये कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में धोखाधड़ी के ऐसे मामलों का खुलासा अब पहले के मुकाबले ज्यादा हो रहा है। और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि अब सिस्टम डिजिटल हो गया है। दरअसल लोकसभा में 3 सांसदों श्रीरंग अप्पा बरने, विनायक राउत और DNV सोनथिल कुमार एस की तरफ से ATM से जुड़े धोखाधड़ी, चोरी और लूट की घटनाओं पर पूछे गए सवाल में वित्त मंत्रालय ने RBI के आंकड़ों के हवाले से जो जानकारी दी है उसके मुताबिक डिजिटलाइजेशन के बाद बैंकिंग सेक्टर खासकर ATM से जुड़े आपराधिक मामले बढ़े हैं, ज्यादा संख्या में मामले दर्ज भी हो रहे हैं या कह सकते हैं कि खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ये मामले नहीं होते थे, लेकिन अब वो मामले रजिस्टर होने लगे हैं, लिहाजा इनकी संख्या में इजाफा साफ दिख रहा है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे कैसे और किन किन राज्यों में किन किन बैंकों में चले ATM के जरिए फ्रॉड के मामले। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, डिजिटलाइजेशन के बाद खुलकर जो तमाम मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, लगातार फ्रॉड और धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं ATM और बैंक से जुड़े। और अंशु पवार हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानेंगे। फिलहाल अंशु, जिस तरीके से इन मामलों का खुलासा हुआ है, बात की जाए तमाम ATM और बैंकों के धोखाधड़ी की, तो क्या कुछ कहा जा सकता है, कहाँ का ये फेलियर है और जिस तरीके से अब इन मामलों के खुलासे हो रहे हैं उससे आगे कितना लगाम लगेगा इस पूरे फ्रॉड पर? अंशिका, जिस तरह से जानकारी मिली है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई है, जैसा कि आपने बोला कि लोकसभा में 3 सांसदों ने ये मुद्दा उठाया था कि ATM से जुड़ी जो धोखाधड़ी है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है मीडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें ये कहा गया है कि डिजिटाइजेशन के बाद बैंकिंग सेक्टर खासकर उसमें जो फ्रॉड के जो मामले थे उसमें कमी दर्ज की गई है। एक्चुअली डिजिटलाइजेशन को लेकर मोदी सरकार काफी सक्रियता से काम कर रही है। पहले ये मुद्दे बहुत ज्यादा उठाए रजिस्टर नहीं होते थे, लेकिन अब चूंकि मोदी सरकार का जो फोकस है वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना है, ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को लेकर आना है सिस्टम में, और उसके बाद पहले के मुकाबले हम ये कह सकते हैं कि धोखाधड़ी के मामले बढ़ नहीं रहे हैं। जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया है उसमें ये मामलों में इन मामलों में कमी दर्ज की गई है। स्पेशली अगर हम बात करें बैंक के ATMs की डकैती और चोरी की, तो अगर डेटा पे नजर डालें तो 2017 में 17 से 18 के बीच में जो मामले दर्ज किए गए थे, कुल 28 राज्यों में 330 मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 2018-19 में घटकर 515 आ गए, और अगर 19 और 20 का डेटा देखा जाए तो ये घटकर ये मामले 238 आ गए हैं। सिमिलरली अगर आपको ये बताएं कि बैंक के जो ATM और डकैती का हमने ये आपको डेटा दिया है, लेकिन अगर 5 प्रमुख राज्यों की बात करें जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और गुजरात, सिमिलरली इंडिविजुअली अगर इन राज्यों की बात करें तो इनके डेटा में भी कमी दर्ज की गई है। अगर बात करें इंटरनेट के जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसमें फ्रॉड के जो मामले दर्ज किए गए हैं, सिमिलरली 2017 से 18 के कंपैरेटिवली 2019-20 में ये मामले घटते नजर आए हैं। चलिए अंशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार डिजिटलाइजेशन के बाद बैंक फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ है। चलिए अब आपको बताते हैं वो आंकड़ा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया है। पिछले 2 साल से अब तक बैंक ATM से डकैती और चोरी की घटनाओं में गिरावट आई है। साल 2017 से 18 की बात करें तो कुल 28 राज्यों में 303 बैंक ATM से डकैती और चोरी की घटनाएं हुई, यानी
यानी कि इसमें एटीएम को उखाड़ कर ले जाना, एटीएम को तोड़कर उसमें से रुपए निकाल लेना जैसी घटनाएं शामिल हैं। साल 2018 से 19 की बात करें तो ऐसी घटनाओं में इजाफा और ये बढ़कर 515 तक हो गई। लेकिन अब 30 सितंबर 2019 तक जो डेटा दिया गया है उसमें बैंक एटीएम से डकैती और चोरी की घटनाओं में कमी आई और वो घटकर 238 रह गई है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ आंकड़े कुल राज्य की अगर बात की जाए तो 28 राज्य, और ये आंकड़े जो बताते हैं कि क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। और अब आपको उन 5 राज्यों की लिस्ट दिखाते हैं जो बैंक एटीएम से डकैती और चोरी के मामले में टॉप पर रहे हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो साल 2017 से 18 बैंक एटीएम से डकैती और चोरी की करीब 29 घटनाएं हुई, साल 2018 से 19 में 51, और साल आगे की बात की जाए तो 30 सितंबर 2019 तक इन घटनाओं में कमी आई और ये 28 रह गई। वहीं महाराष्ट्र में साल 2017 से 18 में बैंक एटीएम से डकैती और चोरी की 27 घटनाएं हुई, साल 2018 से 19 में करीब 67, और 30 सितंबर 2019 तक इन घटनाओं में कमी आई और ये 34 रह गईं। दिल्ली में साल 2017 से 18 में 26 घटनाएं हुई, साल 2018 से 19 में 29, और 30 सितंबर 2019 तक बैंक एटीएम से डकैती और चोरी की 25 घटनाएं हुई हैं। वहीं पंजाब में भी साल 2017 से 18 में 26 घटनाएं हुई, 2018 से 19 में 28, और 30 सितंबर 2019 तक बैंक एटीएम से डकैती और चोरी की 17 घटनाएं हुई हैं। गुजरात की अगर बात करें तो आगे गुजरात में जिस तरीके से देखा जा रहा है, साल 2017 से 18 में 21, 2018 से 19 में 28, और 30 सितंबर 2019 तक बैंक एटीएम से डकैती और चोरी की 18 घटनाएं सामने आई हैं।